वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल का। इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का मेला मुंबई में लगा, जिसमें मुख्तलिफ बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की और उसकी फुल विनर लिस्ट सामने आई है। कौन कौन अवार्ड जीतने में कामयाब रहा, कौन से फिल्म अवार्ड जीतने में कामयाब रही, उनमें से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड क्रिटिक्स भूमि पदनेकर फिल्म बधाइयों के लिए, और तबू को फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए बधाइयों को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला क्रिटिक्स, और बेस्ट एक्टर संजय मिश्रा को वध के लिए, और डायलॉग का अवार्ड फिल्म गंगूबाई के नाम रहा। फिल्म बधाइयों को बेस्ट स्क्रीन प्ले मिला और फिल्म बधाइयों को ही बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डेब्यू का अवार्ड कुश को फिल्म झुंड के लिए दिया गया। बेस्ट डेब्यू फीमेल अंदरिया फिल्म अनेक के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म वध के नाम डायरेक्टर को दिया गया। प्रेम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बेस्ट म्यूजिक एल्बम ब्रह्मास्त्र प्रीतम के नाम रहा। अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट केसरिया के लिए दिया गया। अरिजीत सिंह को केसरिया के लिए बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। सेठ बेस्ट सिंगर फीमेल अवार्ड रंगसारी के लिए। बेस्ट VFX का अवार्ड फिल्म ब्रह्मास्त्र के नाम रहा। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड फिल्म गंगूबाई के नाम रहा। बेस्ट एक्शन का अवार्ड फिल्म विक्रम वेदा के नाम रहा। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी फिल्म गंगूबाई काठियावाली को मिला। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड गंगूबाई काठियावाली और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड एन एक्शन हीरो को मिला। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन गंगूबाई काठियावाली। बेस्ट साउंड डिजाइन ब्रह्मास्त्र के नाम रहा और बेस्ट कॉस्ट्यूम गंगूबाई काठियावाली। बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल दीपा चड्ढा बधाई हो। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग अनिल कपूर जुग जुग जियो के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाली और बेस्ट एक्टर राजकुमार राव बधाई हो। और संजय लीला बंसारी बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म गंगूबाई बेस्ट फिल्म करार पाई।